जय श्री कृष्ण, जय माता जी नी। आज हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए एक जाड़ा बर्तन लेना। देखिए, ऐसे हमने 1 किलो दूध फुल फेट वाला लिया है, वो डाल देंगे। दूध को हमने पहले थोड़ा गर्म कर लिया था, मलाई भी साथ में है। बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनेगी। और जो भी मसाला करेंगे वो आपको दिखा देंगे। सिंपल मसाला है, एकदम टेस्टी रबड़ी बनाएंगे। अच्छे से दूध को उगलना है। दूध हमारा आधे घंटे से एकदम उगल रहा है। बीच बीच में हम ऐसे हिलाना है। हमें शक्कर लिया है 2-3 चम्मच इतना। हमने केसर लिया था, थोड़ा सा गर्म दूध डाला है केसर के अंदर। पिस्ता और बादाम के कतरने और इलायची पाउडर डालेंगे। जितना डालेंगे वो दिखाते हैं। और गुलाब लिया है। एक किलो दूध को हमने 200 ग्राम इतना कर लिया। देखिए, एकदम बढ़िया सा के अंदर डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। आप कम ज़्यादा शक्कर कर सकते हो। ये हमारा केसर वाला दूध। आप चाहो तो लेमन का दूध बूंद भी डाल सकते हो। फ्रेश लेमन ही डालना। डालो तो दो बूंदी डालना। दस मिनट और पकाना पड़ेगा। इलायची पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा डालना है हमें, ज्यादा नहीं। पिस्ता और बादाम की कतरन डाल रहे हैं 2 चम्मच इतना। देखिए, रबड़ी बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुकी है। हम काली मली 2 से 4 नंग डालेंगे। ये जब मीठे के साथ थोड़ा चबाना है, तीखा आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। बढ़िया सी रबड़ी रेडी हो चुकी है। तो सर्व करेंगे। देखिए, इसे जलेबी भी ले लेते हैं। थोड़ी सी बादाम पिस्ता की कतरन डाल देंगे। एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर रखेंगे गुलाब से। इसको सजा देंगे। ये देसी गुलाब है। मित्रों, आप देख सकते हो हमने बढ़िया सा सजा के रेडी कर दिया है। रबड़ी हमारी एकदम रेडी हो गई है। और साथ में जलेबी है, लेकिन ये जलेबी हमने सुबह बनाई थी, रबड़ी शाम को बनाई है। तो मित्रों, एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही सुपर है। हमारा वीडियो
अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के अंदर शेयर करना, और आपके बच्चों के लिए ज़रूर से बनाना। दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक ओके बाय बाय।